छतरपुर पुलिस ने अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर अंतरराज्यीय सीबीआई अधिकारी बनकर डकैती मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नकली शराब कांड के मामले को निपटाने के नाम पर उन्होंने एक शराब की फैक्ट्री संचालक से 2 लाख रुपए की लूट की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी 2 दिन पूर्व बिलहरी के शराब फैक्ट्री में यूपी के सीबीआई अधिकारी बनकर गए थे। ये लोग फैक्ट्री में पिछले साल अलीगढ़ में हुई नकली शराब कांड की जांच करने गए थे। जब फैक्ट्री संचालक निखिल बंसल ने उन्हें जानकारी दी कि उसकी शराब यूपी नहीं जाती, तब इस गैंग ने मामला निपटाने के नाम पर अलमारी में रखे 2 लाख रुपए लूट लिए और जाते समय सीसीटीवी की डीवीआर निकाल कर ले गए। जब इस मामले में फैक्ट्री संचालक ने थाने में डकैती की शिकायत की तो एसपी सचिन शर्मा ने एक टीम बनाकर इस पूरे मामले में जांच की। पुलिस ने इस गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपी यूपी, 2 आरोपी दिल्ली और 1 को भोपाल से गिरफ्तार किया है। इस मामले में डकैती के 2 लाख रुपए, 2 कार, पुलिस की वर्दी, फर्जी आई कार्ड, 2 पिस्टल कारतूस सहित डीवीआर जब्त किया है। पुलिस अब इस मामले में इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने और कहां कहां सीबीआई के अधिकारी बनकर वारदात की है। छतरपुर जिले में नौगांव थाना पुलिस ने 6 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जिन्होंने सीबीआई के पत्र के डकैती करी थी। ये लोग नौगांव थाना अंतर्गत में गए थे जहां पे उन्होंने बोला कि आपका ये समन है, लखनऊ से इश्यू हुआ है अलीगढ़ के जहरीली शराब कानून पर, वो नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सीबीआई पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई है। जब ये शिकायत दी गई तो शिकायत प्राप्त होने के बाद इसकी जांच की गई और ये सभी जो आरोपी थे उनसे पूछताछ की गई तो ये प्रमाणित हुआ कि सभी जो आरोपी हैं उन्होंने डकैती डाली और सभी जो अधिकारी हैं वो सफल हुए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।